सो स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव्स के वर्ड्स लोग कैसे भी करके पता लगा लेते हैं, लेकिन एडजेक्टिव्स के मीनिंग और एडजेक्टिव्स के अपोजिट वर्ड्स ये जल्दी कोई पता नहीं कर पाता। तो आज की इस वीडियो में हम एडजेक्टिव्स के मीनिंग देखेंगे और एडजेक्टिव्स के अपोजिट वर्ड्स देखेंगे, वो भी 20। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जैसे कोई भी सेंटेंस में किसी चीज का विशेषण बताया गया हो, जैसे ही इज अ फास्ट ड्राइवर। इस सेंटेंस में ड्राइवर के बारे में बताया जा रहा है। अब ड्राइवर क्या है? फास्ट है, मतलब वो गाड़ी फास्ट चलाता है। तो यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है फास्ट। सबसे पहले आपको पता करना है किसके बारे में बताया जा रहा है और क्या बताया जा रहा है, वो एडजेक्टिव होता है। जैसे माई ब्रदर इज सैड, यहाँ पे बताया किसके बारे में जा रहा है, बताया जा रहा है ब्रदर के बारे में, लेकिन ब्रदर वो क्या है? सैड है, उदास है, तो सैड हमारा एडजेक्टिव है। सो आई होप आपको क्लियर मीनिंग पता चल गया होगा एडजेक्टिव किसे कहते हैं और एडजेक्टिव का मतलब कैसे निकाला जाता है। अब पता कर लेते हैं एडजेक्टिव के अपोजिट वर्ड्स। स्लो, इसका अपोजिट होता है फास्ट। थिक, इसका अपोजिट होता है थिन। स्ट्रेट, इसका अपोजिट होता है कर्ली। अगली, इसका अपोजिट होता है ब्यूटीफुल। यूजफुल, इसका अपोजिट होता है यूजलेस। टॉप, इसका अपोजिट होता है बॉटम। वार्म, इसका अपोजिट होता है कूल। एम्प्टी, इसका अपोजिट होता है फुल। व्हाइट, ये आपको पता होगा ब्लैक। ट्रू, अपोजिट होता है इसका फॉल्स। सेफ, इसका अपोजिट होता है डेंजरस। मॉडर्न, इसका अपोजिट होता है ट्रेडिशनल। हैप्पी, इसका अपोजिट होता है सैड। लूज, इसका अपोजिट होता है टाइट। बिग, इसका अपोजिट होता है स्मॉल। स्ट्रॉन्ग, इसका अपोजिट होता है वीक। हेल्दी, इसका अपोजिट होता है सीक। लो, इसका अपोजिट होता है हाई। लाइट, इसका अपोजिट होता है हैवी, ये वो लाइट का मतलब है जो बहुत हल्का हो। डार्क, इसका अपोजिट होता है लाइट। सो आई होप आपको एडजेक्टिव्स के अपोजिट वर्ड्स अच्छे से पता लग गए होंगे। एडजेक्टिव्स के बिना इंग्लिश में बोलना नामुमकिन तो है। So if you want to learn and speak English fluently, then please do subscribe to my channel and watch my all videos.